नमस्कार, आरके हिमाचल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या आपके साथ। विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मिंज ग्राम में पिछले कल माननीय वन मंत्री राकेश पाणिया जी का आगमन हुआ। समस्त भाजपा पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वह अपने प्रिय नेता का भरपूर स्वागत किया। वही माननीय वन मंत्री महोदय ने कहा कि मिंज ग्राम में पिछले 5 वर्षों में करोड़ों रुपए विकास कार्यों में खर्च किए हैं तथा नूरपुर का विकास 5 वर्षों में हमने चरम सीमा को छू रहा है। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री राकेश पाणिया जी का स्वागत करते पहुंचे भाजपा मंडलाध्यक्ष कुलदीप पाठक, युवा मंडल प्रधान सुनील भारद्वाज, पंचायत प्रधान सुमन देवी, किसान मोर्चा अध्यक्ष दलविंदर सिंह वंत, अध्यक्ष अशोक कुमार, बूथ पालक हरबंस लाल नजबदीन व अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। चाहे डमो सड़क का काम लगभग 9 करोड़ की लागत की बात हो, मिंज ग्राम ठाकुर बस्ती सड़क पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए, समंदर नाला पुल के लिए 83 लाख रुपए खर्च किए गए, अकेले मिंज ग्राम में 5 हैंडपंप लगाए गए हैं, 1 पानी का ट्यूबवेल भी मिंज ग्राम में लगाया गया है, 180,000 लीटर की क्षमता का पानी का टैंक पीने के पानी का बनाया, नागनी में लगभग 25 लाख की लागत से मिंज ग्राम के लिए वाटर गैलरी, बिजली के पोल के साथ बिजली का ट्रांसफार्मर को ज़्यादा क्षमता का किया जाना हो, चाहे हज़ारों के हिसाब से पानी की पाइपों की बात हो रही हो, 16 लाख रुपए बोल ठाकरा स्कूल के लिए भी स्वीकृत किए गए, 15 लाख रुपए मिंज ग्राम प्राइमरी स्कूल के लिए खर्च किए गए, लगभग 14 लाख डमो स्कूल के लिए खर्च किए गए, फॉरेस्ट भवन के लिए 12 लाख धनराशि स्वीकृत की गई, लगभग 12 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य हुआ है। वन मंत्री महोदय ने बताया कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य में किसी प्रकार की भी अनदेखी नहीं की गई है। अपने कार्यालय में उन्होंने हर तरह का विकास इस पंचायत में करवाया है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ही विकास के बल पर वोट मांगा है और इस बार भी विकास के बल पर ही वोट मांगेंगे। बने रहें इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आरके हिमाचल न्यूज़ चैनल के साथ। खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।